गरियाबंद के दंतिया अभ्यारण्य में हुई अवैध पेड़ कटाई की उच्चस्तरीय जांच विवादों के घेरे में आ गई है। उप प्रबंध वन संरक्षक के नेतृत्व में जांच टीम ने दो दिन तक जंगल की खाक छानने के बाद मीडिया में जो बयान दिया उससे नहीं लगता कि विभाग मामले में कोई ठोस कार्रवाई करने के मूड में है। जांच अधिकारी ने बड़े पैमाने पर अवैध कटाई की बात स्वीकारी मगर अपने विभाग का बचाव किया। उन्होंने तस्करों पर समय समय पर की गई विभागीय कार्रवाई पर संतोष जताया है। इससे साफ है कि जांच के बाद कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली नहीं है। हालांकि उन्होंने वनों को बचाने के लिए विभाग द्वारा और बेहतर उपाय करने का सुझाव दिया है। यही नहीं, जांच टीम के सामने ही ग्रामीण आपस में भिड़ गए। एक ओर शिकायतकर्ताओं ने मोर्चा संभाला तो दूसरी ओर गांव वालों ने शिकायतकर्ताओं पर ही गंभीर आरोप मढ़ दिए। सौ आदमी है साहब, कब्जा करने वाले सब ओडिशा वाले हैं साहब, सब ओडिशा वाले हैं। इसकी शिकायत कभी स्थानीय वन विभाग से किया आपने? हाँ साहब जी। तो क्या बोले वन विभाग वाले? वन विभाग वाले क्या बोले साहब कि ये समस्या लोग आ रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, उनको पीछे साले हमको पांच बार मारे हैं साहब इन लोग। कोई वन विभाग वाले? हाँ वन विभाग वाले। शिकायत जो किए हैं इन्हीं लोग चोर हैं। जिस शिकायत करता ने उसका नाम बारी बारी में ले रहा हूँ। पहला नाम है बीजराम, दूसरा है टीकाम, तीसरा है टीकाम, चौथा है कमल साय, पांचवा है बुरान सिंह। और इन्हीं के द्वारा 1212 में भी पहले अतिक्रमण किया गया था। एक क्षेत्र में करीब 3 से 4 साल पहले जो अवैध कटाई की का जो प्रयास किया गया था उसको विफल किया गया है। अतिक्रमणकारी जो चेष्टा कर रहे थे अवैध कार्य के लिए उनसे उनको विफल किया गया, उनको हटा दिया गया है। और क्षेत्र में जो पुराने ठूट हैं उनमें हैमर का चिन्ह है जिससे प्रतीत होता है कि वन विभाग द्वारा समय पर उसमें यहाँ पे जो पदस्थ अधिकारी हैं कर्मचारी उन्होंने समय पर उसमें प्रयास गोंडे ब्लॉक के चिथली